जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज प्रिंट आउट लेंगे रिसेप्शन से, हैंड रिटन शीट नंबर 10, 10 नंबर शीट है ये। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ एग्जांपल हैं। हमने लास्ट टाइम शुरू की थी मोशन अंडर ग्रेविटी, और मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम को लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसे किया था, लाइट बंद करना वाली। मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ प्रॉब्लम्स की थी जिसमें हेलीकॉप्टर, वो बैलून वाली प्रॉब्लम थी, जिनमें साइन कन्वेंशन देखनी थी कि क्या साइन कन्वेंशन हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमने किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर सपोज एक हेलीकॉप्टर है वो ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2, और मैंने एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया, तो मैंने पहला पॉइंट ये बताया था जो भी चीज़ ड्रॉप होगी उड़ती हुई बॉडी में से, तो वो बॉडी उड़ती हुई बॉडी की स्पीड लेके ही बाहर आएगी। तो अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है विद 2 ऊपर की तरफ, तो पैकेट बाहर निकलते ही, चाहे आपने ऐसे छोड़ दिया हो, ड्रॉप किया हो, तो भी उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? 2 ऊपर की तरफ। क्लियर है यहां तक? फिर मैंने यू को पॉजिटिव माना, मैंने बोला कि यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। अब जैसी वो बॉडी निकलती है अपनी स्पीड को कम करेगी, क्योंकि जैसे वो बाहर निकलती है फॉर एन इंस्टेंट वो थोड़ी देर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन निकलती उसकी स्पीड कम हो रही है फिर ऊपर जाके नीचे गिरेगी, निकलते ही देखने आपने निकलती स्पीड कम हो रही है तो एक्सलेशन पॉजिटिव नहीं हो सकती, एक्सलेशन नेगेटिव, वो रिटार्ड करेगी निकलते ही। तो जी का साइन कैसे पता लगेगा? समझ में आ रहा है? स्पीड बढ़ रही है, आपको लगता है स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव, स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव। ठीक। फिर कोई स्टूडेंट बोला कि सर ओवरऑल तो वो नीचे गिरेगी ना, ओवरऑल ठीक है निकलते वो ऊपर गई लेकिन ओवरऑल तो वो नीचे एक्सलेट कर रही है, आपने ओवरऑल नहीं देखना, क्योंकि ओवरऑल जर्नी में क्या होता है कुछ देर के लिए रिटार्ड करेगी फिर एक्सलरेट, आपने निकलते ही देखना है, यू के कंपैरिजन में देखना है, आपका रेफरेंस यू रहता है, तो निकलते ही क्या हुआ? रिटार्डेशन हुई, तो निकलते ही आपकी एक्सलेशन नेगेटिव हुई। फिर एक स्टूडेंट बोला सर मेरे को समझ में नहीं आता कि ये ना पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, क्या आप कभी बोलते हो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव कभी नीचे डायरेक्शन? बोलो मैं एक रूल बताओ मुझे। मैंने कहा जो तेरे मन में आता है वो रूल बना ले, बोल तेरे को क्या करना है। वो कहता है जी ऊपर को पॉजिटिव रखेंगे, बट ठीक है ऊपर पॉजिटिव रख ले, तो जो चीजें हम नीचे मेजर करेगा उसको नेगेटिव मेजर कर लियो। बोलता कैसे? मैंने कहा देख तूने बोला यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ, मैंने कहा ठीक है यू पॉजिटिव। अब जी को निकालने का एक ही रूल है कि अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो फिर माइनस, तो ऑब्वियसली निकलते वेलोसिटी कम होगी, ऊपर जाएगा पहले ऑब्जेक्ट तो माइनस। फिर स्टोन अल्टीमेटली कहां डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? नीचे। वो कह रहे नीचे को करेगा, स्टोन तो ऊपर भी गया फिर नीचे आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड है तो ये ऊपर और नीचे जाने वाला कैंसल हो जाता है, तो इसकी डिस्कशन नहीं होती, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। तो ओवरऑल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहां मेजर हो रही है? नीचे। तो इसलिए तूने एच को नेगेटिव लेना है, एच को यहां पर नेगेटिव लिया जाएगा। तो कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा, तो अप्लाई करो वी यू प्लस ए टी, यू को पॉजिटिव जी को नेगेटिव पुट किया तो आंसर माइनस में आया, माइनस साइन ये शो कर रहा है हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, और नीचे की डायरेक्शन माइनस साइन क्या शो करती है कि डायरेक्शन वेलोसिटी की फाइनल नीचे की तरफ है। फिर वो कहता है क्या मैं क्वेश्चन उल्टा कर सकता हूं, क्या मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं? ले ले। तो फिर यू को तो उसे क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव, यू नेगेटिव होगा। फिर जी को भी क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी ले रहा है, फिर यानी कि वेलोसिटी माइनस टू से माइनस वन होगी फिर जीरो होगी, फिर वो ये थोड़ा ना कहेगा कि वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, अब माइनस टू माइनस वन हो रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू में जी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मतलब ये आपकी मर्जी है, जो डायरेक्शन लेना चाहो वो लो। बुक्स क्या लेती हैं? जो मैंने लिया, बुक्स कहती हैं जो यू का, अगर यू किसी बंदे ने स्टोन को ऊपर फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो कहते हैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। बुक्स कहती हैं अगर पत्थर नीचे फेंका होता तो फिर नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, मतलब यू का साइन बता देगा कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव कि नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि इसमें यू ऊपर की तरफ था तो हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली और नीचे की नेगेटिव ले ली। मैं फिर आज के लेक्चर में फिर लगा के दिखाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो आज का जो लेक्चर शीट नंबर 10 जो मैं बात कर रहा हूं वो फिर से मोशन अंडर ग्रेविटी है। मैं और न्यूमेरिकल लिख के लाया हूं सो दैट और कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी में हम देख सके और क्लियर हो सके। ठीक, क्योंकि मैं समझ सकता हूं मोशन अंडर ग्रेविटी में यू और वी में बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है, पर वो एक बार आज देखोगे, पिछली बार भी देखा, रिवाइज करोगे तो अपने आप दिमाग चलेगा और देखोगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। जैसे सपोज करो एक बॉल है, इस बार बॉल को मैंने सिंपली क्या किया? ड्रॉप किया, ये लो U इज इक्वल टू जीरो। समझ में आता है पहला पॉइंट? 98 मीटर हाइट है, बॉल कहां गिरेगी?
नीचे गिरेगी, आपको बताना है कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या लेंगे जीरो। आप बस ये बताओ बॉल को छोड़ते ही वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी ना, तो एक्सेलेरेशन वर्ड बोलना चाहिए ना। तो जी का साइन क्या करेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर तो कोई बॉडी जा ही नहीं रही, इस केस में बॉडी छोड़ी तो नीचे गिर रही है, तो क्यों ना ऐसा करें नीचे की डायरेक्शन कोई पॉजिटिव ले लें, क्योंकि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और निकलती वो नीचे जा रही है, तो सारी चीजें नीचे की पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी इसमें क्या रहेगी पॉजिटिव। तो अगर बॉल ऊपर फेंकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं, बॉल नीचे आ रही है ऊपर तो कुछ जा ही नहीं रहा तो डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव लेते हैं। तो 98 इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप छोटी क्लास में भी करते होंगे 9th 10th में। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? समझ में क्लियर है यहां तक? तो यू को जीरो पुट किया, बॉल अल्टीमेटली नीचे आ रही है, स्पीड बढ़ाती हुई नीचे आ रही है, जिस वजह से आप जी को पॉजिटिव ले रहे हैं, और नीचे आ रही है तो नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लें, ऊपर नीचे का चक्कर ही नहीं है इसमें, तो है ही सब कुछ नीचे, तुम नेगेटिव साइन का क्यों चक्कर डालेंगे, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव, आंसर आएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड एट अ हाइट ऑफ 76 मीटर, एक स्टोन को 76 मीटर हाइट से हमने गिरा एंड रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में स्टोन नीचे गिर जाता है, वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ द बैलून व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड। अब किस में से गिरा, उड़ते हुए बैलून में से गिरा, अब बैलून कहां जा रहा है मान लो ऊपर, और मान लो बैलून की वेलोसिटी क्या है u, कहां पर ऊपर, स्टोन निकलते ही बैलून की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा कितनी u, कहां ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है ऊपर, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या मानेंगे पॉजिटिव और नीचे की क्या मानेंगे नेगेटिव। u क्योंकि पत्थर इनिशियली निकलते ही कहां जा रहा है ऊपर बैलून के साथ, तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, अगर u नीचे आ जाता तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो बैलून अगर ऊपर जा रहा है तो जो स्टोन भी ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टोन ऊपर जा रहा है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली जब जैसे ऊपर निकलेगा तो वेलोसिटी को कम करेगा, कम करेगा तो जी इसमें क्या होगा नेगेटिव। वैसे भी अगर एक रूल बना लो, अगर आपने अगेंस्ट ग्रेविटी किसी चीज को फेंका तो गारंटेड है जी नेगेटिव है, और अगर आपने नीचे फेंक दिया तो गारंटेड है जी पॉजिटिव है। ये तो आपने वैसे भी सीखा हुआ है, आपने इनिशियली स्टोन को कैसे फेंका अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब जी नेगेटिव है, बात खत्म। तो पत्थर अगर ऊपर चला गया इनिशियली जी नेगेटिव है, बस बात खत्म, और अगर पत्थर अगर नीचे गिर गया तो जी पॉजिटिव है, बहुत सिंपल रूल है जी का। तो क्लियर है यहां तक? तो जी इसमें नेगेटिव है, और क्योंकि इनिशियली डायरेक्शन कहां ली हमने ऊपर की, तो डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हो रही है अल्टीमेटली नीचे, तो एच का साइन माइनस लिखो यहां, ये माइनस पॉइंट लग रहा है, ये माइनस है, माइनस 76 मीटर लिखो, एच को मैंने माइनस 76 लिखा हुआ है इसमें। नहीं, यू नेगेटिव हो सकता है, आपकी मर्जी है, वो तो मैं पॉजिटिव लेता हूं, आप अगर उल्टा अगर ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव लोगे तो यू नेगेटिव पुट कर लेना, फिर एच को पॉजिटिव कर लेना, हाँ वो मर्जी आपकी। क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन को क्या माना पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कहां कवर हो रही है 76 मीटर ग्राउंड की तरफ नीचे, इसलिए एस नेगेटिव। हाँ टाइम तो पूरा आता है, टाइम तो पूरा ही आ रहा है एच कवर करने का, इतना मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, ब्रेक वाला भी लेके आया हूं आज मैं, कि आधा आधा इधर जाने का आधा वो भी लेके आया हूं, लिख के आया हूं, लास्ट टाइम पूछ ही रहे थे ना, मैं डाल के लाया हूं जान के क्वेश्चन, दो मिनट रुको, ये पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो 76 मीटर इतनी देर में कवर हो गया, तो इस केस में एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो पत्थर 76 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एस को नेगेटिव पुट करो, यू तो यू है ही है, टाइम 6 सेकंड में है, एक्सेलेरेशन माइनस 9.8 है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म्स आएंगी ये रही, और यहां से सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व कोई नहीं कि आप खुद घर में आराम से करना, वो तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, तो U की वैल्यू क्या आएगी 16.7, माइनस कर लेना, माइनस लगाना भूल गया, ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी आएगी शायद, देखना माइनस आएगा, माइनस 16.7, ओ आई एम सॉरी, एक मिनट, यू आई एम सॉरी, यू निकाला, मुझे लगा वी निकाला, आई एम सॉरी, यू पॉज चेक करना एक मिनट, यू पॉजिटिव, ये टर्म बड़ी आ रही है,
36 360, हाँ यार बड़ी आएगी, सॉरी यू पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी मैं सोचा वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया मैंने, नहीं ठीक है ये यू पॉजिटिव है तो ठीक है ना, पत्थर की स्पीड तो पॉजिटिव ही आएगी बिकॉज पत्थर कहाँ जा रहा था, ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, सॉरी तो पॉजिटिव ही रखना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा वो अगला क्वेश्चन है जो मैं नेगेटिव बताऊंगा अभी। देखो बैलून इज असेंडिंग, बैलून ऊपर जा रहा है, फिर देखो बैलून ऊपर जा रहा है एट अ रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, तो बैलून की स्पीड बोलो 14, इसमें से और हाइट कितनी है 98 मीटर, तो व्हेन द पैकेट इज ड्रॉप्ड, जैसी पैकेट को ड्रॉप किया उसने कितनी वेलोसिटी ले ली, बैलून की, बैलून की स्पीड क्या है 14, कहां ऊपर, तो पैकेट की स्पीड क्या है 14, कहां ऊपर, क्लियर यहां तक? तो अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो ऊपर की डायरेक्शन को क्या मान लिया पॉजिटिव, तो पत्थर डिस्प्लेसमेंट 98 कवर करेगा, नीचे नीचे तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया माइनस 98, क्योंकि पत्थर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो जी इसमें क्या लेंगे नेगेटिव, तो यू पॉजिटिव जी नेगेटिव एस नेगेटिव, फिर से अप्लाई किया एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें टाइम निकालना है पत्थर कितनी देर में नीचे गिरेगा, तो ये पुट किया, पुट करके 9.8 by 2 4.9 होता है, ये टर्म बन गई, टी स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले आओ 14t इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, माइनस 98 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन को सेट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, चेक करो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन चुकी है टी स्क्वायर में, मैंने किया नहीं सॉल्व, रूट निकालना है इसके, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना, टाइम आएगा, दो टाइम आएंगे, एक नेगेटिव टाइम आएगा एक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव टाइम तो होता नहीं, पॉजिटिव टाइम सॉल्व करके 6.12 आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक, तो ये टाइम आ गया, फिर वो ये पूछ रहा है कि वो पैकेट कितनी स्पीड से उसको हिट करेगा ग्राउंड को, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई करेंगे, u पॉजिटिव था g नेगेटिव है, और ये जो वैल्यू आएगी ये चेक करना, ये 6 है, हाँ ये नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव लगा लेना, माइनस माइनस साइन, ये कैलकुलेशन में ये टर्म बड़ी है ये टर्म छोटी है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन नीचे, हाँ बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे फिर। एक्चुअली मैंने ना एक ही कन्वेंशन रखी है, मैं सारों में एक ही रूल बनाना चाहता हूँ, और नॉर्मली मैं रूल वो बना रहा हूँ जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो यू को नेगेटिव पॉजिटिव लेता है तो जी और एच को नेगेटिव लेता है, आप उल्टा करना चाहते हो जी और एच को पॉजिटिव और यू को नेगेटिव तो भी चलेगा, पर मैं ना आधे क्वेश्चनों में एक रूल आधे में दूसरा रूल लगाना नहीं चाहता, मैं हर में एक लगाना चाहता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट, पर आपको पॉइंट समझ में आ गया जो आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, क्वेश्चन समझो, है क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली? ये समझ सकता हूं मैं,
पढ़ लिया क्वेश्चन, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाइट पर अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, ध्यान आगे, स्टोन इज ड्रॉप्ड, यू इज इक्वल टू जीरो, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 40, दूसरे को गिरा या फेंका विद द स्पीड ऑफ 40। तो अब हो क्या रहा है इसमें, अब कुछ ऐसा केस हो रहा है कि एक स्टोन मैंने 60 मीटर ऊपर से ड्रॉप करना है, यूज इक्वल टू जीरो, और दूसरे को फेंकना पड़ेगा। स्लो मोशन में देखना, ये 60 मीटर डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं ऐसे, और या तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में हुए तो आपस में ये कोलाइड कर जाएंगे, अगर नहीं हुए तो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। वो कह रहे हैं बताओ ये कब और कहां क्रॉस करेंगे, डिस्टेंस बताओ और टाइम बताओ। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, आपके हाथ में घड़ी है और टी इज इक्वल टू जीरो, स्टार्ट, घड़ी में टाइम टी। तो ध्यान से, इस बॉडी ने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इस बॉडी ने टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम दोनों के लिए एग्जैक्टली क्या रखा जाएगा, सेम, टी वन टी टू मत कर देना। ठीक है, यहां तक तो सेम टाइम हुआ, तो एक ने सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, तो दूसरे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 माइनस एक्स। क्लियर हो गया यहां तक, तो डायग्राम क्लियर है, एक ने एक्स तो दूसरे ने 60 माइनस एक्स, ताकि टोटल डिस्टेंस कितना है 60, ये भी क्लियर है। अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन आपस में इंडिपेंडेंट है, पहले इसके लिए लगाएंगे एस इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर इसके लिए लगाएंगे, दोनों की साइन कन्वेंशन अलग अलग है, आप जब एक को कर रहे हैं दूसरे को भूल जाना, जो दूसरे को कर रहे हैं तो पहले को भूल लें। जैसे स्टोन नंबर वन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो, छोड़ते ही बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी ना, नीचे आ रहा है ना इनिशियल स्टोन, नीचे का मतलब फेवर ऑफ ग्रेविटी, तो जी इज प्लस 9.8। क्लियर है यहां तक, तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे पॉजिटिव है, तो इसके लिए नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, ऊपर तो जा ही नहीं रहा ना ये, तो नीचे नीचे आ रहा है, तो साइड डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव। तो फर्स्ट बॉडी के लिए यू जीरो, एक्सलेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पुट करें एक्स जीरो हाफ प्लस 9.8 टी स्क्वायर, तो यहां से इक्वेशन नंबर वन आ गई। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक। अब सेकेंड स्टोन की बात करते हैं, सेकेंड स्टोन को कहां गिरा, ऊपर, ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी कहां है, ऊपर, तो एक काम करते हैं सेकेंड स्टोन की ऊपर की डायरेक्शन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था, बुक्स क्या करती हैं, जहां यू गिरता है वही डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेती हैं। तो जैसे ऊपर वाला स्टोन नीचे गिरा, तो ऊपर वाले स्टोन ने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, नीचे वाला स्टोन ऊपर जा रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40, क्लियर है। अब स्टोन छोड़ते ही वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, कम हो रही है, ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, और जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हो क्या डिसाइड हुआ था, ग्रेविटी के अगेंस्ट जी इज ऑलवेज माइनस, माइनस समझ में आया, और डिस्प्लेसमेंट इसमें प्लस 60 माइनस x, क्यों, क्योंकि यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, इसके लिए ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां आ रही है, ऊपर की नीचे, ऊपर, तो अगर यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसमें 60 माइनस एक्स। अप्लाई करें एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 60 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 40, टी टाइम में वो 60 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करता है, एक्सेलेरेशन माइनस 9.8, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन एंड टू क्लियर है, चेक करो, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें। तो जब आप फर्स्ट स्टोन की इक्वेशन बना रहे हो सेकेंड को नहीं देखना, जब सेकेंड की बना रहे हो तो फर्स्ट को नहीं देखना, दोनों इंडिपेंडेंट है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है तो पूछो प्लीज साइन में किसी में। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दोनों इक्वेशंस को लिख लो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू, एज इट इज लिख लिया मैंने जो बनाया, इन्हें ऐड कर लो, ऐड करने से एक्स और एक्स कैंसिल, ये पूरी टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल, और इसमें क्या बचा सिर्फ 40t, तो यहां से 40t बच गया, यहां पे सिर्फ 60 बच गया, टाइम के लिए सॉल्व करो 1.5 सेकंड टाइम आंसर आ गया, यानी कि जब ये मिले थे तो टाइम उस टाइम कितना था 1.5 सेकंड था, कोई डाउट इसमें। ठीक है यहां तक, तो एक आंसर मिल गया, ये कब मिले आपस में, तो ये कब मिले एट टाइम t इज इक्वल टू 1.5
5 सेकेंड, और कहां मिले? तो इसके लिए स्मॉल टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 जहां मर्जी पुट कर दो, 1 में पुट कर लेते हैं, हाफ 9.8 इंटू 1.5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11.5। क्लियर यहां तक? तो एक्स की वैल्यू 11.5 है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्स कहां से माना था? टॉप से। तो ये कहां मिले? एट अ डिस्टेंस ऑफ 11.5 मीटर फ्रॉम टॉप। तो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस में मिले होंगे? 60 में से 11.5 को क्या करना पड़ेगा? तो नीचे का डिस्टेंस आ जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, वो नीचे से पूछ रहा है या ऊपर से पूछ रहा है। कई लोग उल्टा कर लेते हैं, अगर वो नीचे से पूछ रहा है ग्राउंड से, वो इसको x मान लेते हैं, तो इसको 60 माइनस x, तो डायरेक्टली ही x आ जाएगा। तो डायग्राम साथ में रखना, आप ये देखना कि x ऊपर वाले डिस्टेंस को मान रहे हैं या नीचे वाले को, फिर अपना आंसर मार्क करना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार रीड करें और देखो इसमें क्या 3 केस हैं। क्वेश्चन समझो, इट रीचेस द फुट ऑफ द टावर विद वी, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप इसको क्रॉस कर दो इस लाइन को, ये चाहिए भी नहीं वैसे मुझे, पता नहीं कैसे लिख दी। इट रीचेस फुट ऑफ टावर विद स्पीड वी वाली लाइन को ना क्रॉस कर दो, क्योंकि वी से फेंका, वी से गिरा, वैसे हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बिना मेरा, अगर मैं लाइन ना भी लिखूंगा ना तो मेरा काम चलेगा, तो इसे काट भी दोगे तो चलेगा, वैसे हो सकता है मैंने वी से फेंका 2 मीटर पर सेकेंड, या 200 से फेंका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 200, हो भी सकता है, ठीक है ना, बट चलो मुझे चाहिए नहीं, आप काट भी दोगे तो भी चलेगा, इसके बिना भी लाइन आंसर आएगा। आप प्लीज क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से समझें कि क्वेश्चन में है क्या, 3 केस कौन से हैं। देखो इसमें 3 केस हैं, ये समझ में आता है। पहले केस में h हाइट ऑफ बिल्डिंग से मैंने उसे इनिशियली v वेलोसिटी लेके ऊपर फेंका, ऑब्वियसली वो ऊपर गया, गया स्टोन और फिर नीचे गिर गया ग्राउंड पे, पहला केस क्लियर है। दूसरे केस में मैंने स्टोन को लिया अपने हाथ में, ड्रॉप नहीं किया, ऊपर नहीं फेंका, किसी वेलोसिटी से नीचे फेंका, ड्रॉप का मतलब u इक्वल टू 0, वेलोसिटी से फेंका, v वेलोसिटी से नीचे फेंका, पहले वाले केस में v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, दूसरे केस में v वेलोसिटी से नीचे फेंका, और पहले केस में टाइम नीचे आने का t1 था, दूसरे केस में t2 है, और तीसरे केस में मैंने सिर्फ उसको ड्रॉप किया u इक्वल टू 0, तो सर टाइम कितना लिया t, आपको बताना है टाइम t1 और t2 के साथ क्या रिलेशन रखता है, क्या आंसर है, तो आपको आंसर टी निकालना है इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, v इलिमिनेट कर देना है। चलो वो जो करना है वो बात अलग है, आपको 3 केस इमेजिन कर पा रहे हो, 3 केस हैं क्या, तो साइन कन्वेंशन अपने माइंड में प्लीज 2 मिनट लो और तीनों में सोचो कि u किसमें पॉजिटिव लेना है, किसमें नेगेटिव लेना है, h किसमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, g किसमें पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव लेना है, फिर हम डिस्कस करेंगे, अपने माइंड में प्लीज केस बना के रख लो। तो पहले केस में सोचो u और g के साइन क्या होंगे, दूसरे केस में सोचो और तीसरे में सोचो, फिर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि असली चीज वही है इसमें।
तो देखो पहला केस, मैंने बॉल को इनिशियली कैसे फेंका, ऊपर, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया जाता है। वेलोसिटी कहां पर है? ऊपर। चलो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी क्लियर है, तो ऊपर जाने में स्पीड कम होगी शुरू में, तो जी क्या होगा? नेगेटिव। एच क्या होगा? नेगेटिव। टावर तो नीचे है तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी। ये हमने किया ऐसा केस, हेलीकॉप्टर वाला सेम ही प्रॉब्लम है, और यहां से टाइम टेकन टी वन है, अप्लाई करो एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस की जगह माइनस एच, वी वेलोसिटी पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, टी वन स्क्वायर है, तो यहां से काम करो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव। एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस को प्लस प्लस और माइनस मॉडिफाई कर दिया। इक्वेशन नंबर वन तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक। दूसरे केस में समझ में आता है, इनिशियल वेलोसिटी वी नीचे, तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नीचे है तो नीचे की डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। तो अब नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव, अब वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? इन फेवर ऑफ ग्रेविटी आ रहे हो तो बढ़ेगी, तो जी पॉजिटिव, नीचे आने में जी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में नीचे ही है तो वो भी पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे पॉजिटिव है तो नीचे की हर चीज पॉजिटिव। तो अप्लाई करते हैं एस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू वी टी, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? तीसरी इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी कहां आएगी? नीचे। तो नीचे की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन होगी इसमें, वेलोसिटी बढ़ती हुई नीचे आएगी, सब पॉजिटिव, तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक में टाइम टी वन, एक में टी टू, एक में टी। तीन इक्वेशंस क्लियर है? तीनों केस क्लियर है? तीन इक्वेशंस में से पहले तीनों इक्वेशंस को मैंने इकट्ठा लिख लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका और आपको टी निकालना है, टी निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी वन एंड टी टू, आपको वी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो सबसे पहला काम वी को इलिमिनेट करते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को टी वन से डिवाइड कर लो, मतलब इसको अकेले को, वी को अकेला रहने दो, और वो तभी अकेला बनेगा माइनस वी जब टी वन से इनको हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट एंड राइट को, तो ये क्या बनेगा? एच बाई टी वन, ये क्या बनेगा? माइनस वी, ये क्या बनेगा? हाफ जी, सिर्फ टी वन। कोई डाउट इसमें? टी वन स्क्वायर को टी वन से डिवाइड किया तो टी वन गया। उसी तरीके से इस इक्वेशन में वी को अकेला रहने दो, टी टू से डिवाइड कर दें, ये क्या बनेगा? एच बाई टी टू, ये क्या बनेगा? वी, और ये क्या बनेगा? हाफ जी टी टू। दो इक्वेशन क्लियर है? ठीक है, मॉडिफाई कर दिया टी वन टी वन टी टू टी टू से डिवाइड करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फायदा हो गया मॉडिफाई करने से, वी अकेला हो गया, और अगर इन्हें ऐड करें तो वी और वी इलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये टर्म इसमें ऐड करेंगे तो एच कॉमन आ गया, वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू, और यहां से इनको ऐड करेंगे हाफ जी कॉमन आ गया, तो टी वन प्लस टी टू। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो यहां से एलसीएम लेंगे तो टी टू प्लस टी वन बाई टी वन इंटू टी टू, तो टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू कैंसल, तो h की वैल्यू क्या आ गई? हाफ जी टी वन टी टू मल्टीप्लाई हो गया, h आ गया। क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे अपना फाइनल आंसर t का निकालना है, तो h को मैंने टी वन टी टू की फॉर्म में निकाल लिया, यहां पर h t की फॉर्म में चल रहा था, हैं तो दोनों h, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम है। इक्वेट कर लें इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर को, तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेट कर दिया, जी से जी कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन इंटू टी टू। पॉइंट समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे चला? ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो स्टाइल देखा वी को इलिमिनेट करने का, क्या स्टाइल था? क्योंकि घर जाते सॉल्व करते तो वी इलिमिनेट ना कर पाते, वी नहीं कैंसिल हुआ, मैंने किया था। हाँ, कर सकते हो, देखो बहुत तरीके होंगे, पर मैंने शुरू किया था किसी और तरीके से, आप देख रहे होंगे स्पेस खाली है, मैं फ्लूड लगाया मैंने, उसके बाद आपको दिख नहीं रहा, मैंने वो इसको पहले मिटाया इस पोर्शन को, फिर मैंने तभी अलग साइड पे यहाँ लिखा, मतलब मैंने खुद ही जब कर रहा था मैंने वी इलिमिनेट नहीं कर पाया, फिर ध्यान में आया कि वी का करेंगे क्या, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वी तो चाहिए ही नहीं था, तो फिर ध्यान आया कि इसको वी को अकेला रख के इसको कैंसिल करो पहले, फिर आगे चलेंगे। प्रैक्टिस से होगा, मतलब पहली बार अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी गलत फंस गया, फिर मैंने उसको ठीक किया, तो आप लोग रोज फंसेंगे रोज ठीक करेंगे, तो यही काम है आपका। ठीक, एक बार में परफेक्शन नहीं आ सकती कभी भी। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज।
क्वेश्चन को प्लीज बहुत ध्यान से देखो. क्वेश्चन है फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट कैपिटल एच. तो मेरे ख्याल से ये कैपिटल एच समझ में आ रहा है, कैपिटल एच क्लियर है? ठीक. इसके टॉप से मैंने एक पार्टिकल को थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो मैंने कैसे फेंका, ऊपर फेंक दिया. ठीक, ये पार्टिकल ऊपर गया विद द स्पीड ऑफ यू. डायग्राम समझ में आ रहा है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज एन टाइम्स टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ. कह रहा है ग्राउंड पे पहुंचने का जो टाइम है वो एन टाइम्स है. क्या एन टाइम्स है? जितना टाइम ये पार्टिकल यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए लगाता है. तो मान लो यहां से टॉप पे आने के लिए क्या टाइम लगाता है, टी. तो पूरी जर्नी कितनी देर में कवर करता है, एन इंटू टी. समझ आ रहा है यहां तक? तो अगर यहां से टॉप टावर के टॉप से चला तो टी टाइम लेता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल टाइम क्या लेगा फिर जाने और नीचे आने का, एन टाइम्स लेगा. तो ये बताओ कि अगर ये टाइम टी है और टोटल टाइम एन टी है तो सिर्फ नीचे उतरने का टाइम क्या हुआ, एन टी में से टी को क्या कर दें, माइनस. टोटल टाइम एन टी में से टी गया तो यहां से यहां आने का टाइम, तो एन टी माइनस टी में से ये एन टी माइनस टी आ गया ना, टी कॉमन आ गया तो एन माइनस वन इंटू टी. तो ये टाइम कौन सा है, सिर्फ यहां से यहां आने का टाइम. वो डाउट इसमें चेक कर लो ना, इसमें ये ऐड करके देख लो टोटल एन टी आ रहा है. कोई डाउट इसमें? ये रूल समझ में आया यहां तक? क्लियर है? ठीक. आगे अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये स्टोन पहुंचेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्योंकि यू से चला, जीरो, और फिर नीचे उतरेगा. तो यहां से यहां की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या, यू, फाइनल क्या, जीरो. और नीचे उतरने की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या, जीरो, और टाइम टेकन कितना, एन माइनस वन इंटू टी. ये स्टेप क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, मुझे प्रूव करना है कि इन सब का एच का यू का ये रिलेशन है. एक काम करते हैं, सबसे पहले अपवर्ड मोशन लेते हैं यहां से यहां जाने का. बस यहां से यहां जाने में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू. और जो अगर ऊपर की वेलोसिटी यू है इनिशियल, तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, प्लस यू. ऊपर जैसी बॉडी जाती है अगेंस्ट ग्रेविटी तो वेलोसिटी कम करती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, माइनस जी. जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है ऊपर जाती है तो जी हमेशा नेगेटिव लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो. अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल u, एक्सेलेरेशन माइनस जी इंटू टी. टाइम की वैल्यू क्या आ गई, u डिवाइडेड बाय जी. तो कम से कम आपको ये तो पता लग गया कि ये जो पार्टिकल है वो यहां से यहां जा रहा है कितने टाइम में, u बाय जी. इसको संभाल के रख लिया मैंने, यहां तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं, मैं अब यहां से यहां की जर्नी, अब वापस की जर्नी लगा रहा हूं. एक काम करो, इसका नाम दो पॉइंट का, ए, कैपिटल ए बनाओ, कैपिटल ए. इस पॉइंट पे लिखो, लिखा नहीं मैंने, कैपिटल ए लिख लिया. और यहां पे कट लगाओ, यहां पे लिखो कैपिटल बी. दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल ए. ऐसे ये रहा टावर. तो ये ऐसा डायग्राम है, मैं बोल रहा हूं कि दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज कैपिटल बी, राइट. और यहां पे इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन जो मैं अप्लाई कर रहा हूं ना, ये फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी कर रहा हूं. लिख लो फ्रॉम कैपिटल ए बी, फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी. ठीक है ना? तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल बी तक की के अंदर ये बताओ ये बॉल कहां आएगी, नीचे. सिर्फ पार्ट ऑफ जर्नी ले रहा हूं मैं. और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगी, एच. कैपिटल ए बी में डिस्प्लेसमेंट एच है. और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. और क्योंकि नीचे आ रही है वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव प्लस 9.8. तो मैंने अप्लाई किया एस सी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एच कितना पॉजिटिव, एस कितना पॉजिटिव, प्लस एच, जीरो प्लस हाफ जे टी स्क्वायर. ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम क्या था, टी. तो याद रखना, अगर मैं इस पेन को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर भेजू ना, और मान लो वो 5 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पे आता है, जब ये मेरे हाथ में वापस आएगा तो टाइम टेकन वापस आने का भी 5 सेकंड होता है. ये स्टैंडर्ड रूल है, अगेंस्ट ग्रेविटी जब भी कोई चीज ऊपर जाती है
टी टाइम लेती है तो नीचे आने का भी एग्जैक्टली सेम ही टाइम लेती है टी। तो इसीलिए जब ऊपर जाने का टाइम टी है तो नीचे आने का टाइम भी एग्जैक्टली सेम ही रहता है जो कि टी है। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, या आगे प्रूफ भी आएगा इसका। तो ऊपर जाना और नीचे आने का टाइम हमेशा सेम रहता है। तो ये बताओ ए से लेके बी पोर्शन तक मैंने क्या बताया, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पॉइंट समझ में आया सबको, छोटा एच आ गया। अब एक इक्वेशन और लगाओ, लास्ट इक्वेशन किसके लिए, फॉर डाउनवर्ड कंप्लीट मोशन, यानी कि यहां से लेके यहां तक के लिए। यहां से जब बॉडी नीचे गिरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या लेंगे, जीरो। एक्सेलेरेशन क्या लेंगे, प्लस 9.8 जी। डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, छोटा एच प्लस बड़ा एच। टोटल हाइट कितनी है यहां से यहां तक, एच प्लस एच। और टोटल टाइम क्या लेंगे, एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है ना यहां तक। तो ये देखो चेक करो, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, एच प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो। टाइम क्या लेंगे, एन माइनस वन इंटू टी। अप्लाई करें एस से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह क्या पुट करेंगे, एच प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ जी, टाइम की जगह एन माइनस वन इन टी का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी, तो यहां से एच हमने निकाला हुआ है हाफ जी टी स्क्वायर। इस स्मॉल एच को उठा के यहां पुट कर देते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस एच हाफ जी, इसको होल स्क्वायर करो। एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। तो इसके अंदर एक काम करते हैं, स्मॉल टी की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, यू बाई जी। इस स्मॉल टी को उठा के यहां पुट करते हैं, यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर आएगा। ये भी क्लियर है यहां तक। तो ये वैल्यू आ गई और जी से एक जी क्या हो गया, कैंसल। ठीक, तो ये कैंसल हो गया, चेक करो ये टर्म कैंसल हो गई। ये हाफ जी टी स्क्वायर को राइट की तरफ लेके आओ, एच अकेला बच गया, हाफ इंटू दिस टर्म और हाफ जी टी स्क्वायर इधर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और स्मॉल टी की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है, यू बाई जी, फिर से पुट करो यू बाई जी, तो ये क्या आएगा, यू स्क्वायर और जी स्क्वायर, जी से जी क्या हो गया, कैंसल। तो अब ये टर्म बची और एक ये टर्म बच गई, चेक करो, यू स्क्वायर बाय टू जी बच गया और ये टर्म बच गई। इसमें से एक काम करेंगे, टू जी, ये टू जी, टू जी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कॉमन निकाल के टू जी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, टू जी इंटू एच, ये टर्म एज इट इज ऐसी ऐसी, और ये यू स्क्वायर, टू जी एलसीएम लेके यहां मल्टीप्लाई कर दिया। इसे ओपन करें, एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, वन इंटू यू स्क्वायर माइनस टू एन इंटू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर यू स्क्वायर कैंसल, तो ये टर्म आ गई। इसमें से यू, एक तो एन कॉमन आ रहा है और एक यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, एन माइनस टू, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके होते होंगे, आप घर जाना जब इसको नोट करेंगे, अपने कोई भी मेथड से फॉर्मुलेट करना कोई सोल्यूशन, हो सकता है आपका मेथड ज्यादा आसान हो, जरूरी नहीं है कि यही मेथड हो, काइनेमेटिक्स है, पार्ट ऑफ जर्नी कोई और ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर निकाला जा सकता है किसी मेथड से, आप अपना फॉर्मुलेट करना, हाँ आंसर तो सेम ही आएगा, पर आप अपना मेथड फॉर्मुलेट कर सकते हो, रादर ऐसा भी कर सकते हो, मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है, मैं ऐसा सोच रहा था, मैंने कर तो दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग ले लेते हैं, कैपिटल एच पूरी जर्नी के लिए कोई क्वेश्चन बना के यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ पुट, क्या पता आंसर सीधे ही आ जाए, इसे मैच कर जाए। मुझे, मैंने किया नहीं, मेरे को बाद में रिलाइज हुआ कि शायद ऐसे भी प्रूव हो सकता है, मुझे पता नहीं है, जो मेरे समझ में आया मैंने कर दिया और जो आपके समझ में आएगा आप करोगे, कैलकुलेशन अपनी अपनी है। अब ये डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, कई बार बंदा शुरू करता है किसी नए तरीके से, बात बन भी जाती है कभी कभी नहीं भी बनती, और मूड भी खराब हो जाता है कि 15 मिनट भी लगे और हाथ में कुछ नहीं आया, बहुत बार ऐसा होता है, पर आप ट्राई करना बंद नहीं कर सकते, ट्राई करना, ठीक। नहीं तो ये मेथड तो है ही है ना, स्कूल का पेपर इससे नीचे आता है, प्लीज स्कूल के पेपर के लिए नहीं है ये, स्कूल के एग्जाम के लिए बेसिक, बहुत बेसिक आता है। आपको मैं मॉडल स्कूल में जो जाएंगे या जिस भी स्कूल में जाएंगे, मेरे पास पुराने पेपर पड़े हुए हैं, आप पेन ड्राइव कभी भी ले आना, तो जब भी आपका स्कूल का एग्जाम होगा, जब आप जाएंगे, अभी तो टू अर्ली, जब भी आप जाएंगे तो पेन ड्राइव में से रिसेप्शन पे बोल देना कि पुराने स्कूल के पेपर चाहिए, तो आपको पेन ड्राइव में जितने भी पेपर, हमारे कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, जो जो हमारे पास आते रहते हैं हम स्कैन करके उसमें डालते रहते हैं,
तो एक जस्ट एक सैंपल होता है कि हाँ इस टाइप का पेपर आता है। जो बड़ा पेपर होगा सितंबर का, उससे पहले पहले तो मैं आपको एक दो लेटेस्ट पेपर दूंगा अभी पिछले साल के, आप घर से उसे सॉल्व करके डिपॉजिट करवाना, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका 3 घंटे का पेपर होगा सितंबर में, जब स्कूल से पहले यहाँ देके जाओगे। एक स्कूल का काम है, कॉम्पिटिशन का भी ऐसे ही चलता रहता है। तो जैसे एक पहले एनसीईआरटी कवर होती है, फिर कॉम्पिटिशन का पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा। तो अभी टाइम है, उसमें धीरे धीरे आप देखना चीज़ें बढ़ती जाएंगी, रिविजन होती जाएगी, और एक दिन आपको रियलाइज होगा कि हाँ काइनेमेटिक्स ईजी है। ये वर्ड्स याद रखना, कैमरे के अंदर स्टोर्ड है, अब बोलेंगे देखना सितंबर के बाद काइनेमेटिक्स बहुत आसान है। ये क्वेश्चन प्लीज एक बार पढ़ना जरा, है क्या क्वेश्चन, और प्लीज अपने माइंड से सोचना ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मेन काम है ब्रेन का काम करना, पहले अपने मन में अपना सॉल्यूशन सोचो और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आपकी मर्जी, काइनेमेटिक्स से जो मर्जी लगाओ। देखो इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझें। फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन को समझना। सॉल्यूशन तो फिर भी चलो सेकेंडरी है। फिजिक्स में पहले स्टेटमेंट समझ के, पहले एक चीज को इमेजिन करना, फिर उसको उसका सॉल्यूशन सोचना, फिर मैथ्स की हेल्प से उसे ठीक करना, सॉल्व करना। 3 स्टेज प्रोसेस है, तो इसलिए थोड़ा सा इनपुट ज़्यादा मांगता है ये सब्जेक्ट शुरू में, बाद में ठीक हो जाता है ये। मतलब आफ्टर सितंबर ये नॉर्मल लगेगा, सितंबर तक थोड़ा बढ़ता जाएगा। देखो ध्यान धीरे धीरे करेंगे। 2 एरोज हैं, ये ग्राउंड से फर्स्ट एरो चला,
एक सेकेंड बाद दूसरा एरो भी चल पड़ा, ऊपर जा रहे हैं अभी, एक सेकेंड का फर्क तो रहेगा रहेगा। इसकी जर्नी टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो गया, ये कंप्लीट आ गया। अभी स्नैपशॉट देखो, यहां तक ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया। अब इसकी बारी नीचे आने की शुरू हो गई, लेकिन इसकी जर्नी अभी कंप्लीट हुई नहीं है, तो ये अभी भी ऊपर जा रहा है और ये इसने नीचे आना शुरू कर दिया। रास्ते में क्या हो गई, टक्कर हो गई। इमेजिन किया, पहले फर्स्ट एयर हो गया, दूसरा आराम से आ रहा है एक सेकेंड लेट। पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन पहुंचेगा, फर्स्ट। ये ऐसे आके ऐसे आएगा ना, तो टॉप फर्स्ट पे पहुंच गया। अभी ये नहीं पहुंचा, अभी रास्ते में है, और इसने अपनी जर्नी रिवर्स स्टार्ट कर ली। इसकी जर्नी अभी टॉप मोस्ट पॉइंट की कंप्लीट नहीं हुई, ये तो अभी ऊपर ही जा रहा था, पर इसने नीचे आना शुरू कर दिया और रास्ते में कोलिशन। तो क्वेश्चन है, ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे टक्कर हुई और कितने टाइम पे टक्कर हुई? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? धीरे धीरे करेंगे, ब्रेक कर करके करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये मैंने आपको इमेजिन करवाया, फर्स्ट एरो पहले चल चुका, सेकेंड एरो एक सेकेंड लेट चल रहा है, दोनों चले थे विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये पहला डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट, सिर्फ एरो वन की अब जर्नी देखो। एरो वन के साथ क्या होता है, टू बाद में चलाएंगे। एरो वन इनिशियली लिख लो, दिस इज डायग्राम फॉर एरो वन ओनली। पता लगे घर जाके भूल जाओ और ये टू और वन देखो कि वन टॉप पे पहुंच गया, टू चला ही नहीं अभी तक। ये दोनों एरो नंबर वन है, ये एरो नंबर वन की इनिशियल सिचुएशन है, ये एरो नंबर वन की फाइनल सिचुएशन है। जब एरो नंबर वन चला था तो इनिशियली कितनी स्पीड के साथ चला था, 50, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो गई थी, 0। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो ऊपर जाने में रिटार्डेशन थी, मैंने इजी बनाने के लिए रिटार्डेशन को 9.8 की जगह 10 लिखा भी हुआ है, जी 10 ले लो, तो -10। मैं अप्लाई करता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50 है, एक्सेलरेशन कितनी है, -10 है, और हाइट h है, तो h की वैल्यू आ गई 125। तो ये तो बात कंफर्म होगी, पहला एरो जब चलेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 125। कोई डाउट इसमें? 125 मीटर के बाद अब वो नीचे आना शुरू कर देगा, तो यानी कि ऑब्वियसली सेकेंड एरो का भी तो सेम ही होगा, सेकेंड एरो भी 125 मीटर हाइट कवर करना चाहता है, दोनों की सिचुएशन तो सेम है क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। कोई डाउट इसमें? अच्छा, नेक्स्ट, इसमें अब इसी में फर्स्ट एरो के लिए अगर मैं ये पूछूं कितने टाइम में यहां से यहां गया, तो यू कैन अप्लाई वी इक्वल टू यू प्लस एटी। तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50 है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो एक एरो, पहला एरो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचता है, 5 सेकेंड, एंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, 125। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब एरो टू की बात करते हैं। इमेजिन करो एरो वन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, अब इसकी बारी है नीचे आने की। एरो टू नहीं पहुंचा, एरो टू अभी रास्ते में, ऊपर चढ़ रहा है अभी, एरो टू रास्ते में। क्लियर है यहां तक? एरो टू के लिए, अब ये डायग्राम एरो टू के लिए बनाऊंगा मैं, ये भी टू, ये भी टू, ध्यान से एरो नंबर टू एंड टू की इनिशियल सिचुएशन देखें। एरो टू यहां से चला था विद अ वेलोसिटी ऑफ 50, एरो टू अभी रास्ते में है। जब एरो वन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो एरो वन का टाइम कितना चल रहा है आपकी घड़ी में, 5 सेकेंड, क्योंकि एरो वन हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचता है, 5 सेकेंड में। एरो टू 1 सेकेंड लेट चल रहा है, एरो टू भी 5 सेकेंड में ही पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लेकिन वो चला लेट था तो अभी उसकी घड़ी में टाइम कितना हुआ है, 4 सेकेंड, उसका 1 सेकेंड बाकी है, 1 सेकेंड होते ही वो भी टॉप पे पहुंच जाएगा। यानी कि अभी एरो टू का टाइम क्या चल रहा है, सिर्फ 4 सेकेंड। तो टाइम समझ में आया, 4 कैसे पुट किया मैंने, अगर एरो 5 यहां पर 5 सेकेंड पूरे कर चुका है, एरो 2 का 5 सेकेंड पूरा नहीं हुआ, 1 सेकेंड लेट चला है, तो टाइम 4 सेकेंड। डायग्राम समझ में आ रहा है? एरो 2 के लिए यू कैन अप्लाई वी। अब एरो 2 की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा है और इसकी जर्नी नीचे की स्टार्ट हो रही है, हम चेक करते हैं कि जब इसकी जर्नी नीचे की स्टार्ट हुई तो उस टाइम इसकी स्पीड कितनी है। तो इस जर्नी के लिए यू कैन अप्लाई वी इक्वल टू यू प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी 50 है, एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन है, ऊपर जाते हुए एक्सेलेरेशन माइनस में, टाइम 4 सेकेंड है, वी इज यू प्लस 80 अप्लाई किया तो वेलोसिटी कितनी कितनी आ गई, 10। तो एरो 2 अभी यहां पर कितनी वेलोसिटी पे है, 10। समझ में आ रहा है यहां तक? और ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं करना लिखना भूल गया, यहां पर
लिख लो फॉर एरो टू ओनली, फॉर एरो टू अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख लो यहां पर फॉर एरो टू अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और एरो टू के लिए एस इनिशियल वेलोसिटी 50 इंटू टू, सॉरी 50 इंटू टाइम कितना है? अभी यहां पर 4, मैं चेक करना चाहता हूं कितनी हाइट पर है, 4 हाफ एक्सेलेरेशन की जगह माइनस 10 इंटू 4 का स्क्वायर, एस की जगह कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 120 मीटर, नहीं हाँ 120 मीटर आ रहा होगा, इतना ही आ रहा है, चेक करो, ठीक है, चेक करो यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, एरो वन को देखना है पहले, एरो वन का स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचा, 5 सेकेंड। एरो टू लेट चल रहा है, हर एरो अगर 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर 5 सेकेंड में पहुंचता है, एरो टू भी चल पड़ा, इसको भी कहा गया तू 5 सेकेंड में यहां तक पहुंच जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि एरो टू अभी रास्ते में है क्योंकि एरो वन पहले पहुंचेगा, तो एरो वन अगर 5 सेकेंड में पहुंचा है और ये 1 सेकेंड लेट चल रहा है तो इसका टाइम अभी 4 सेकेंड हुआ होगा, 1 सेकेंड और कंप्लीट होगा तो इसके 5 पूरे हो गए, टॉप पे आएगा, 1 सेकेंड का फर्क रहेगा, एरो वन का टाइम अगर 5 है एरो टू का 1 कम चलेगा, लिखा नहीं इसमें, एरो टू इस लिखा होगा, क्वेश्चन पढ़ो, 1 सेकेंड लेटर आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब आपका आपकी सिचुएशन क्या हो गई, आपकी सिचुएशन ये हो गई, एरो टू 10 मीटर पर सेकंड से अभी ऊपर जाएगा, एरो वन नीचे चल पड़ा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी चलते हुए, 0, टॉप मोस्ट पॉइंट से 0, और क्योंकि एरो वन ने 125 मीटर 125 मीटर डिस्टेंस कवर किया हुआ है एंड एरो टू ने कितना 120, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, यानी कि इनकी टक्कर 120 मीटर 120 मीटर से ऊपर होगी, 125 से नीचे होगी और कहीं ना कहीं इस 5 मीटर के बीच में ही होगी, पॉइंट समझ में आ रहा है, यहां तक टक्कर होगी तो अब 5 मीटर के विदिन ही होने वाली है, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपका पुराना क्वेश्चन बन गया जो आज हमने किया कि एक बॉल नीचे से फेंकी एक ऊपर से फेंकी, बोलो इनकी कहां टक्कर होगी, तो एक्स और 60 माइनस एक्स वाला क्वेश्चन था सेम, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, इस डायग्राम को अलग से बनाया मैंने राइट ग्राउंड से, सिर्फ ये वाला डायग्राम 5 मीटर वाला यहां बना लिया फिर से बनाया है। तो इमेजिन करो, अब पिछले क्वेश्चन को भूल जाओ, इमेजिन करो कि अब ये ऊपर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 4 सेकेंड पे 120 मीटर हाइट पर, और ये नीचे आ रहा है विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, और मान लो इनकी टक्कर कहीं यहां हो जाती है, जब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, तो इसने कितना किया 5 माइनस एक्स, नया क्वेश्चन बन गया। और मान लो नए क्वेश्चन में आपके पास घड़ी थी, आपने टाइम नोट आपने स्टार्ट किया कि एरो वन नीचे गिर रहा है एरो टू ऊपर जा रहा है स्टार्ट, तो टी टाइम में ये इनकी टक्कर हो जाती है, यानी कि टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स, तो टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 माइनस एक्स। तो आप एक काम करो, एरो वन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 माइनस एक्स है, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन जी है प्लस जी है, अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 5 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, क्लियर यहां तक। और उसी तरीके से एरो टू के लिए अप्लाई करो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह क्या पुट करेंगे एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 10, टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, एरो वन एरो टू की क्वेश्चन बन गई। एरो वन और टू की क्वेश्चन को साइड पे लिखो, इन्हें ऐड कर दो, एक्स से एक्स हो गया कैंसल, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसल, सॉल्व करके टाइम आ गया 0.5 सेकेंड, ठीक। तो इनकी टक्कर आपस में 0.5 सेकेंड पे होती है। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि एरो टू की घड़ी में 4 सेकेंड तो हो ही गए थे, जब जमीन से ग्राउंड से चला था तो 4 सेकेंड तो हो ही गए थे, और प्लस 0.5 सेकेंड पे टक्कर होने वाली आगे, तो एरो टू की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी हुई ग्राउंड से 4 सेकेंड प्लस 0.5, तो 4.5 सेकेंड,
समझ में आया यहां तक, क्योंकि असली को क्वेश्चन ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रहे हैं, तो यहां से टाइम 0.5 सेकेंड है टी, लेकिन हमें तो ग्राउंड से आंसर देना है, तो ग्राउंड से 4 सेकेंड प्लस 0.5 सेकेंड, एक आंसर आ गया। फिर आपको हाइट भी बतानी है ग्राउंड से, तो मुझे पता है कि 120 मीटर तो एरो टू कवर कर ही चुका है, एक्स हमने निकाल लिया, एक्स चेक करना कितना निकाला हुआ है, 3.75। तो ग्राउंड से टक्कर कितनी दूरी पे हुई, 120 प्लस 3.75 का मतलब 123.75, क्योंकि आपके पास टाइम तो आ चुका, आप टाइम को किसी भी क्वेश्चन में पुट करके एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, तो आंसर आएगा। बड़ा क्वेश्चन है, शायद आएगा भी नहीं स्कूल में या कहीं आता भी नहीं है, बट इससे आपका जो ब्रेन है उसका सोचने का तरीका थोड़ा बढ़ जाता है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो नॉर्मली आएंगे, सिंपल वन लाइनर आते हैं, बट आपको वो इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के बाद जब आप करेंगे, ठीक है। ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, याद रखना, क्वेश्चन तो चाहे कुछ ना आए पर दिमाग एकदम सही चलेगा। ओके, तो ये याद क्लियर है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 थी ना, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 पेन देना।